उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद लिए चलते हैं आपको, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किए हैं, इन कार्यों में जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए एक बार फिर से यात्रा आपके पास आई है और इस यात्रा में आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा भारतीय जनता पार्टी को। तो भाइयों बहनों, मैं फिर आपसे कह सकता हूं, भाजपा ने जो कहा था सो करके दिखाया और भारतीय जनता पार्टी जो आपसे कहेगी उसको अक्षर सह मंत्र मान करके फिर से लागू भी करेगी। इस मंच पर आने के पहले मुझे इस जनपद की लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे सांसद जी, हमारे विधायकों ने परिश्रम से जिन योजनाओं को इस जिले में लेकर के आए, उन योजनाओं का जो पूरी हो गई उनका लोकार्पण और जिन योजनाओं को अभी बनना है उनका शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज यहां पर हुआ है। 200 करोड़ सामान्य पैसा नहीं होता। यद्यपि आज हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन विकास के लिए एक ईंटा भी अगर वह लोक कल्याण का कारक बनता है तो उसकी भी कीमत होनी चाहिए और उसका भी सम्मान होना चाहिए। और आज तो 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। इसके लिए मैं फर्रुखाबाद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपने परिश्रम से यहां के सांसद जी ने, यहां के विधायकों ने इन योजनाओं को आपके जनपद में लाने में सफलता प्राप्त की है। इसके लिए मैं इन सबको हृदय से इनको धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, वर्तमान में पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है। कोरोना में उत्तर प्रदेश के प्रबंधन को पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है, बहुत सुंदर, अभिनंदन आपका। जिन लोगों ने एक डोज ली है वे दूसरा भी ले लेंगे और जिन्होंने एक भी डोज नहीं ली है, आपके परिचित होंगे, अगल बगल कहीं होंगे, गांव में होंगे, पड़ोस में होंगे, उनको भी बोल देंगे कि कोरोना का वैक्सीन कोरोना महामारी से बचाव का सबसे बड़ा कवच है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें वैक्सीन भी लेना है, साथ साथ हर एक गरीब परिवार को फ्री में राशन की सुविधा भी देनी है। राशन की सुविधा कितने लोग ले रहे हैं, अभिनंदन आपका, बधाई। अब तो डबल इंजन की सरकार है तो इन राशन भी डबल मिल रहा है, यह अधिकार आपका है। अच्छी सरकार आएगी तो अच्छी योजनाएं आएंगी और जब बुरी सरकार आएगी भाइयों बहनों तो यही अन्न सपा के, बसपा के या कांग्रेस के नेताओं के घर में चला जाता और उनकी तिजोरी भरती। आप देख रहे होंगे पिछले 4 दिन से कैसे दीवालों से पैसा निकल रहा है, नोट की गड्डियां निकलती जा रही हैं। ये इन लोगों ने गरीबों का जो पैसा पिछली सरकारों के समय छुपा करके रखा था, अब समझ में आया होगा कि बबुआ क्यों नोटबंदी का विरोध करता था। अब समझ में आया ना, बबुआ नोटबंदी का विरोध क्यों करता था, क्योंकि ये नोट गरीबों का पैसा और विकास का पैसा जो आपके जनपद में उपयोगी होता, लोक कल्याण का कारक बनता, उस पैसे को ये लोग हड़प गए थे, छुपा रहे थे। आज उस पैसे को हम लोग फिर से निकाल रहे हैं और फिर उसको विकास के कार्यों में लगवाएंगे। भाइयों बहनों, मुझे एक बात तो आपको बतानी है,
कांग्रेस ने इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन शासन किस रूप में कर रही थी? आज आपने कांग्रेस का एक, आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा, उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता